बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो ये दो बोगियाँ पटरी से उतर गई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी अल्लामा इकबाल नाइन अप हमारी बदकिस्मत से रात 1:00 कुछ मिनट पे ये ड्रेल हुई है यहाँ पे, ये 359 किलोमीटर पे, जो कि पड्डीधन से निकल के टूवर्ड्स भिरा की तरफ इसकी डायरेक्शन है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे सारे मुसाफिर महफूज हैं और इस तरह से हमारा जो डाउन ट्रैक है वो भी बहाल है। हमारी गाड़ियाँ डाउन ट्रैक में चल रही हैं, अप ट्रैक में हमारी 4-5 ट्रेनें खड़ी हुई हैं मुख्तलिफ स्टेशनों पर, उसके लिए हमारी रिलीफ ट्रेन यहाँ पे पहुँच चुकी है। इंशाअल्लाह 1 घंटे 1.25 में ये हमारी रिलीफ ट्रेन जो है इन दोनों कोचेस को जो पीछे नज़र आ रही हैं इनको ऑफ ट्रैक कर देंगी और हमारा अप ट्रैक इंशाल्लाह बहाल हो जाएगा और उम्मीद है कि ये 1.25 घंटे में हो जाएगा। मुसाफरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो ज़ख्मी हुए हैं या सारे के सारे महफूज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई महफूज नहीं है, कोई ज़ख्मी नहीं है, सारे महफूज हैं। और ये मुसाफिर जैसे मैंने पहले बताया कि किसी को खराश भी नहीं आई है, सारे मुसाफिर ठीक हैं। तो क्या सबब है कि ये दोनों गिर गए, ये जो पटरी से उतर गए, इसके बारे में क्या कहेंगे, किसकी गफलत है? देखें ये एक इंक्वायरी होगी, डिटेल इंक्वायरी होगी, इस वक्त कोई चीज़ अच्छी नहीं किसी, क्योंकि रेलवे में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में वो सारी टीमें आ रही हैं। इसके लिए हमारे जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उन्होंने डिप्टी चीफ इंजीनियर्स की कमेटी नामिनेट कर दी है जो कि अभी लाहौर से चल पड़ी है। वो आके इसके हर चीज़ की जो है ना एग्जामिनेशन करेगी, मुआयना करेगी और जो 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 इशू होगा उसको उस हिसाब से ये केस डिसाइड होगा।